वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी पापियन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि ये क्राइम ड्रामा मूवी है और उसके लीड रोल में है चार्ली हुनम और रेमी मलिक। मूवी की शुरुआत ईयर 1931 से होती है, जहां पे हमें हेनरी नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक प्रोफेशनल रॉबर है जिसकी स्पेशलिटी सेफ और वॉल्ट्स को क्रैक करना है। तो एक दिन अपनी लूट के बाद हेनरी अपने क्राइम बॉस जीन से मिलने जाता है, जो हेनरी से पूछता है कि हेनरी आज क्या लाए हो तुम मेरे लिए। तो हेनरी उसे चुराए हुए डायमंड्स दे देता है, पर बॉस को डाउट है कि हेनरी ने इस लूट में से कुछ माल अपने लिए छुपा लिया है। तो बॉस हेनरी को धमकाते हुए बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारी गद्दारी का पता चला तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा, मगर हेनरी उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हेनरी अपनी लवर ननाते से मिलने जाता है, जहां वो अपनी लवर को एक सुंदर सा नेकलेस और कुछ डायमंड्स दे देता है, जो कि हेनरी ने जीन से छुपा लिए थे। तो इन्हें देखकर हेनरी के लवर बहुत खुश है, पर इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक आदमी ने हेनरी के लवर के हाथ में नेकलेस देख लिया है, यानी हेनरी की बैंड बजने वाली है। वहीं हेनरी और उसकी लवर मौज मस्ती करते हुए घूम रहे थे, तो ननाते हेनरी से कहती है कि मैं शहर से दूर कंट्री साइड में पीसफुली रहना चाहती हूँ। तो हेनरी कहता है कि अगर हम कंट्री साइड रहने चले गए तो हमारा घर कैसे चलेगा, वहाँ तो चोरी करने के लिए कुछ है भी नहीं। पर ननाते के इंसिस्ट करने पे हेनरी कहता है कि मुझे 6 महीने का टाइम दो, जिसमें मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा जिससे हम शहर से दूर कंट्री साइड में अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकते हैं। पर ननाते इतने लंबे समय तक वेट करना नहीं चाहती, पर तभी इन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है, जिससे हेनरी को लगता है कि शायद उनका मकान मालिक रेंट मांगने आया है। पर गेट खोलने पे हेनरी देखता है कि बाहर तो लैंडलॉर्ड के बजाय पुलिस आई हुई है, जो हेनरी को मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। तो हेनरी बोलता है कि कल रात तो मैं पूरे समय अपनी लवर के साथ था, तो मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ। पर पुलिस उसकी बातों पे बिना ध्यान दिए ही उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ननाते जेल में हेनरी से मिलने जाती है और कहती है कि तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोर्ट में अपील करूंगी। तो हेनरी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे बॉस जीन ने फ्रेम किया है, शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैंने लूट में से कुछ माल छुपा लिया था, तो एज अ रिजल्ट उसने मुझे मर्डर के आरोप में अंदर करवा दिया। इसके बाद हेनरी अपनी लवर से कहता है कि मेरा बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, साथ ही तुम कहीं दूर जाके न्यू लाइफ की शुरुआत करो। ननाते के जाने के बाद हेनरी का नेबर उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम गजब के रॉबर हो और शायद अब तुम जेल से बाहर जाना चाहते हो, पर जेल से एस्केप कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम्हें बाहर जाने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो लुइस नाम का बंदा तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है, पर उसकी हालत भी तुम्हारी तरह खराब है, क्योंकि उसके पास पैसे तो हैं, पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पावर नहीं है। जेल में सभी कैदियों को पता है कि लुइस पैसे वाला है, तो सभी कैदी उसके पैसों को चुरा के जेल से एस्केप करना चाहते हैं, यानी कि लुइस कभी भी मारा जा सकता है। इसके बाद प्रिजन का चीफ वार्डन सभी कैदियों को इन्फॉर्म करता है कि तुम सभी लोग बैड गाइज हो, जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए फ्रेंच गियाना ट्रांसफर किया जाना है, जहां तुम अपनी बाकी की लाइफ को जेल में काटने वाले हो। और फिर सभी लोगों को पोर्ट ले जाया जाता है, जहां से कैदियों को शिप से ट्रांसपोर्ट किया जाना है। तो शिप पे चढ़ने के बाद हेनरी सीधा लुइस से मिलने जाता है, जहां वो लुइस से कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन काफी खराब है, अगर तुम मुझे मनी प्रोवाइड करो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। पर लुइस किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा करना नहीं चाहता, तो वो डायरेक्टली हेनरी की डील को रिजेक्ट कर देता है। पर लुइस का पार्टनर काफी डरा हुआ है, क्योंकि एक बड़ा सा आदमी उन पे नजर रख रहा था। जल्द ही इनका शिप अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है, तो सभी लोग सो जाते हैं। तो रात को लुइस को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो देखता है कि एक आदमी ने उसके पार्टनर का पेट काट डाला है, क्योंकि उसके पार्टनर ने अपने पेट में कुछ पैसे छुपा लिए थे। तो ये सब देखकर लुइस काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि पैसे तो उसने भी छुपा रखे हैं, यानी उसकी जान को भी खतरा है। तो अगले दिन लुइस हेनरी से मिलकर कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, तो मुझे इस शिप जर्नी के दौरान प्रोटेक्ट करो, तो जेल पहुंचने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो हेनरी पूछता है कि क्या तुम एस्केप करना नहीं चाहते। तो लुइस कहता है कि मुझे एस्केप करने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ ने कोर्ट में अपील डाली है, तो मैं जल्द ही आजाद हो जाऊंगा। तो हेनरी गुड लक बोल के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जल्द ही सेकेंड डे की रात हो जाती है, तो जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब वो बड़ा सा आदमी अपने दूसरे शिकार पे निकल जाता है, जिसमें उसका टारगेट था लुइस। तो ये देखकर हेनरी अलर्ट हो जाता है, और फिर वो मौका पाते ही इस बड़े से आदमी पे हमला कर देता है। तो आवाजें सुनकर बाकी कैदी भी जाग जाते हैं,
जो इन दोनों के लिए चीयर करने लगते हैं। इसके बाद जल्द ही गार्ड्स यहाँ पे आके फाइट रुकवा देते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन पे गार्ड्स को पता चलता है कि हेनरी ही फाइट का मास्टरमाइंड है, तो वो लोग हेनरी को अलग ले जाके उसे पनिश करने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन शिप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जहां सभी कैदियों को उतारा जा रहा था, तो जूलो नाम का कैदी हेनरी से कहता है कि तुम्हारे पास मौका था तो तुमने उस आदमी को मार देना चाहिए था, अब वो तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। जिस पे हेनरी सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता। तो जूलो कहता है कि तुम एस्केप करने का प्लान बनाओ, मैं तो हॉस्पिटल चला, और ऐसा कह के जूलो खुद को इंजर्ड कर लेता है ताकि उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाए, और जूलो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद सभी कैदियों को प्रिजन ले जाया जाता है जहां हेनरी नोटिस करता है कि यहां पे तो काफी टाइट सिक्योरिटी है, साथ ही ओल्ड कैदी उन्हें अपने शिकार की तरह देख रहे हैं। इसके बाद प्रिजन का वार्डन अपना स्पीच देने लगता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ से एस्केप करना चाहते हो, पर ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि ये प्रिजन ऐसे आइलैंड पे है जिसके हजारों मील तक कोई भी लैंड नहीं है, और अगर किसी बहादुर ने भागने की कोशिश भी की तो उसे गोली मार दी जाएगी, और अगर तुम हमारी गोली खाने के बाद भी जिंदा बच गए तो तुम्हें 2 साल के लिए सोलिटरी प्रिजन में डाल दिया जाएगा, और सेकंड एस्केप अटेम्प्ट करने वालों को 5 साल की सोलिटरी कन्फाइनमेंट सर्व करनी पड़ेगी, और अगर किसी ने इस आइलैंड पे मर्डर किया तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और ऐसा कह के वार्डन यहां से चला जाता है। इसके बाद सभी कैदी अपने बैरक चले जाते हैं, तो हेनरी लुइस से कहता है कि एक कोने में बैठ जाओ, मैं एक पुराने कैदी से मिलके आता हूं। इसके बाद हेनरी एक पुराने कैदी के पास जाके उससे पूछता है कि कैदियों को वर्क असाइन कौन करता है, पर लुइस यहां आके नेगोशिएट करने लगता है, तो ये कैदी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर तो सकता हूं, पर उसके लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। जिस पर लुइस कहता है कि पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझे बाथरूम जाना होगा, तो हेनरी को अंदाजा हो जाता है कि लुइस ने पैसों को अपनी दुकान के अंदर छुपा रखा है। इसके बाद शाम हो जाती है जहां सभी कैदी आराम करने लगते हैं, पर हेनरी को लुइस के हाथ से काफी स्मेल आ रही होती है तो वो ढंग से सो भी नहीं पा रहा होता, और यही हाल लुइस का भी था। अगले दिन सभी कैदियों को वर्क असाइन किया जा रहा था, तो गार्ड लुइस और हेनरी को हॉस्पिटल के काम पे भेज देता है, पर यहाँ का डिप्टी वार्डन इन दोनों को रोक के बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ मिस्टर लुइस, तो ये सुनकर लुइस काफी कंफ्यूज्ड है, तो डिप्टी वार्डन बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन का हस्बैंड अरेस्ट हो गया था जिससे मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हो गई है, तो अब मैं तुमसे रिवेंज लेने वाला हूँ। इसके बाद वार्डन फोर्सफुली इन्हें रूट जीरो पे भिजवा देता है जहाँ पे डायनामाइट से पहाड़ी को उड़ाया जा रहा था, तो ब्लास्ट से टूटे पत्थरों को उठाने का काम कैदियों का है, तो इतना हैवी वर्क करके हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा है, और फर्स्ट डे ही हेनरी का ऐसा एक दुश्मन बन गया है जो कि इस प्रिजन का सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है। इसके बाद सभी कैदियों से ट्रॉलीज को पुश करवाया जाता है, तो इतना जोर लगाने से लुइस की दुकान पे जोर पड़ जाता है जिससे उसके छुपाए हुए पैसे कहीं निकल जाते हैं, तो लुइस हेनरी को बताता है कि मुझे डायरिया है और शायद मेरे फाट के साथ छुपाया हुआ पैसा कहीं निकल गया है, तो ये सुन के हेनरी काफी घबरा जाता है, पर थोड़ा ही ढूंढने के बाद उसे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद हेनरी लुइस को कार्ट में डाल के आगे ले जाता है और फिर कैदियों को थोड़ी देर का रेस्ट मिलता है, जिस दौरान लुइस नोटिस करता है कि उनका एक साथी ओवरवर्क से मर चुका है, तो एक आदमी बोलता है कि उस पे ध्यान मत दो, यहाँ रोजाना कोई ना कोई मरता रहता है। इसके बाद हेनरी और सीरियर के बीच में दोस्ती हो जाती है, तो सीरियर हेनरी को बताता है कि इसी दिन समुद्र की सैर पे चलो, मेरे पास एक बोट भी है, तो हेनरी समझ जाता है कि सीरियर भी उसकी तरह ही यहाँ से भागना चाहता है। ब्रेक पूरा होने के बाद ये लोग काम पे लग जाते हैं, तो हेनरी नोटिस करता है कि कुछ लेडीज का ट्रक कीचड़ में फंस गया है। वेल, ये लेडीज प्रोस्टिट्यूट हैं जिन्हें एक आदमी ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ट्रक फंसने पे वो बड़ा सा बंदा गार्ड्स की हेल्प मांगने लगता है, जिसपे गार्ड पिगमैन से कहता है कि तुम सभी लोग हमारी कार्ट्स पे आ जाओ, तो कैदी इन्हें अपनी कार्ट पे बिठा के आगे ले जाने लगते हैं, तो हेनरी ट्रक ड्राइवर से कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रक से कोस्ट तक जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए कितना पैसा लगेगा, तो ये सुनकर ड्राइवर गार्ड्स को बुलाने लगता है, तो हेनरी जल्दी से कहता है कि मैं पर पर्सन के हिसाब से तुम्हें 4,000 देने को तैयार हूँ, तो ड्राइवर हेनरी की डील को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मेरी बोट रिवर के पार खड़ी है जहां मैं 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा, चाहे तुम टाइम पे आओ या न आओ। शाम को काम पूरा होने के बाद सभी कैदी नहाने लगते हैं, तो हेनरी नोटिस करता है कि काफी सारे कैदियों की नजर लुइस की दुकान पे है, तो हेनरी समझ जाता है कि ये सभी लोग लुइस का पैसा चुराना चाहते हैं, तो जब कैदी लुइस पे हमला करते हैं तो हेनरी इन सभी कैदियों से भिड़ जाता है, तो फाइट में हेनरी जीत तो जाता है पर वो काफी इंजर्ड हो चुका है, तो वो लुइस पे भड़कते हुए बोलता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ और तुम हो कि कुछ भी करना नहीं चाहते। रात को लुइस हेनरी से माफी मांगता है और कहता है
कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि अब मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरी अपील लगने से पहले ही मैं जेल में मारा जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ से एस्केप करना चाहता हूँ। जिसके लिए हेनरी साफ मना कर देता है, क्योंकि डील के हिसाब से उसका काम सिर्फ लुइस को प्रोटेक्ट करना है, न कि उसका बर्डन उठाना। अगले दिन सभी कैदियों को स्क्वायर में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ वार्डन सभी के सामने बोलता है कि तुम में से ही एक कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की थी, साथ ही उसने मेरे दो गार्ड्स को भी मार दिया है, पर हम लोगों ने उसे पकड़ लिया, तो रूल के हिसाब से उस कैदी को एग्जीक्यूट किया जाना है, वो भी तुम सभी के सामने, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि इस जगह पे मेरे बनाए रूल्स चलते हैं, जिन्हें तोड़ने पे तुम्हें मौत मिलेगी। इसके बाद उस कैदी को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है, तो हेनरी देखता है कि ये बंदा तो जूलो है, जिसने चोट लगने का नाटक किया था, और फिर जूलो को सभी के सामने एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये देख के हेनरी काफी दुखी है, क्योंकि जूलो उसका अच्छा दोस्त था, पर उसकी मायूसी को वार्डन नोटिस कर लेता है, तो वो हेनरी से कहता है कि जूलो की डेड बॉडी को तुमने ठिकाने लगाना होगा। तो हेनरी लुइस के साथ जूलो की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है, जहाँ कुछ गार्ड्स इन पे नजर रख रहे थे, पर अब लुइस की हालत हद से ज्यादा बिगड़ने लगी है, तो उसे आराम करता हुआ देखकर गार्ड्स उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तो हेनरी से ये सब देखा नहीं जाता, तो वो गार्ड का सिर फोड़कर यहाँ से भाग जाता है। तो लुइस ये देखकर काफी हैरान है कि हेनरी तो उसके बिना ही यहाँ से भाग गया है। वहीं हेनरी के एस्केप के बारे में गार्ड्स को पता चल गया है, तो वो लोग हेनरी का पीछा करने लगते हैं, पर हेनरी नदी में होकर निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हेनरी सीधा उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है, जिससे हेनरी की डील हुई थी। तो हेनरी को देखकर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बोट से यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर मुझे पैसे पहले ही चाहिए। तो हेनरी कहता है कि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मगर मैंने पेरिस में बहुत सारा पैसा छुपा रखा है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें पिछले डील का डबल पैसा दे दूंगा। पर तभी यहाँ पे प्रिजन के गार्ड्स आ जाते हैं, तो उन्हें देख के ट्रक ड्राइवर हंसना स्टार्ट कर देता है, जिससे हेनरी को समझ में आ जाता है कि उसे फंसाया गया है। तो ड्राइवर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा होता भी तो भी मैं तुम्हें नहीं ले जाता, क्योंकि प्रिजन का वार्डन मुझे खूब सारा पैसा देता है, ताकि मैं उसे तुम जैसे एस्केपर्स के बारे में इन्फो प्रोवाइड करता रहूं। इसके बाद गार्ड्स हेनरी को वापस प्रिजन में ले आते हैं, जहां पे वार्डन कहता है कि तुम काफी लकी हो, क्योंकि जिस गार्ड का तुमने सर फोड़ा है वो अभी भी जिंदा है, वरना मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करवा देता। अब तुम्हें सेंट जोसेफ आइलैंड ट्रांसफर किया जाएगा, जहां तुम 2 साल के सोलिटरी कन्फाइनमेंट सर्व करने वाले हो। इसके बाद हेनरी को सोलिटरी प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहां बिल्कुल खामोशी थी। तो हेनरी के दिमाग में असर पड़ना चालू हो जाता है, तो वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे यहां पे ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो हेनरी की सेहत भी काफी बिगड़ने लगती है, पर इतना ही काफी नहीं था। गार्ड्स रेगुलरली हेनरी को पीट कर चले जाते हैं, पर एक दिन हेनरी को बाल्टी में नारियल मिलता है, साथ ही लुइस का नोट भी कि अब तुम्हें रोजाना एक नारियल मिला करेगा। तो नारियल को खाते हुए हेनरी पागलों की तरह कुछ बड़बड़ाने लगता है, और फिर रोजाना हेनरी की प्रिजन में नारियल आते रहते हैं। पर एक दिन वार्डन को इस बारे में पता चल जाता है, तो वो हेनरी से पूछता है कि तुम ये नारियल कौन भेज रहा है और कितने टाइम से भेज रहा है, पर हेनरी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तो वार्डन गुस्से में हेनरी का राशन आधा कर देता है, जिसे थोड़े ही दिनों में हेनरी काफी बीमार पड़ जाता है। इसके कुछ दिनों बाद वार्डन हेनरी से दोबारा मिलने आता है, जहां वो हेनरी से पूछता है कि तुम्हें नारियल किसने भिजवाए थे, तुम अगर मुझे उसका नाम बता दो तो मैं तुम्हारा खाना डबल कर दूंगा। मगर अभी भी हेनरी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, तो वार्डन ऑर्डर देता है कि अगले 2 साल के लिए हेनरी को कंप्लीट डार्कनेस में रखा जाए, जहां इसे सूरज की रोशनी तक भी नसीब होनी नहीं चाहिए, जिससे हेनरी की हालत बद से बदतर हो जाती है। साथ ही वो हेलुसिनेट करने लगता है, और अब उसे फैंटेसी और रियलिटी के बीच में फर्क भी समझ में नहीं आ रहा है। इस सब के 2 साल बाद हेनरी की हालत चेक की जाती है, तो वार्डन को पता चलता है कि हेनरी तो पागल हो चुका है, तो वो हेनरी को सॉलिटरी प्रिजन से बाहर निकाल के मेडिकल फैसिलिटी में भिजवा देता है, क्योंकि उसकी 2 साल की कैद पूरी हो चुकी है। वहीं अब लुइस की हालत बिल्कुल मस्त हो चुकी है, क्योंकि न जाने क्यों वार्डन ने लुइस को अपना एड बना लिया है, जिससे अब लुइस अच्छी लाइफ जी रहा है। तो एक दिन वो हेनरी से मिलने जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। साथ ही लुइस ये भी बताता है कि मेरी वाइफ ने कोर्ट में अपील की ही नहीं, उसने तो मेरे वकील से शादी कर ली है, जिसके बाद वो लोग मेरे पैसों से मस्त लाइफ जी रहे हैं। तो हेनरी लुइस को बताता है कि टेंशन मत लो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बस पागल होने का नाटक कर रहा हूँ। और फिर ये लोग अपने नेक्स्ट एस्केप प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। तो लुइस बताता है कि इस संडे को वार्डन कोर्टयार्ड में एक मूवी शो करने वाला है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, पर हमें बोट के लिए सीलियर की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सुनकर हेनरी पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, वेल वो तो बस सीन क्रिएट कर रहा था। रात को हेनरी अपने आसपास नजर रखने लगता है,
तो वो नोटिस करता है कि उन पर एक आदमी हर समय नजर रखता है। तो हेनरी उस आदमी की नजरों से छुपके मनाटे नाम के बंदे से मिलता है, क्योंकि मनाटे बड़ी आसानी से डॉक्टर और अटेंडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद लुइस सीलियर को भी हॉस्पिटल ले आता है, जहां ये लोग मिलके एस्केप प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। पर लुइस को सीलियर पे भरोसा नहीं है, तो हेनरी इतना ही कहता है कि फिक्र मत करो, और फिर वो लुइस को एक माचिस दे देता है जिसमें कुछ दवाई थी। वेल, ये दवाई नींद की गोलियां हैं जो डॉक्टर हेनरी को देते हैं। इसके बाद जल्द ही संडे की शाम आ जाती है, जहां प्रिजन में काफी सारे हाई ऑफिशियल्स आए हुए हैं। तो लुइस मौका पाके ड्रिंक्स में नशे की गोलियां मिला देता है। वहीं हेनरी एंड गैंग एस्केप के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मनाटे हॉस्पिटल अटेंडेंट को सीड्यूस करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर हेनरी अटेंडेंट को नॉकआउट कर देता है। वहीं लुइस ने भी सभी को ड्रिंक्स पिला दी है, पर तभी अचानक से बारिश आ जाती है, तो सभी ऑफिशियल्स अंदर चले जाते हैं। तो सीलियर हेनरी से कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, पर हेनरी लुइस के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता। इसके बाद जल्द ही लुइस भी यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैंने एक सीक्रेट पैसेज की कीज चुरा ली हैं, जहाँ से हम आसानी से निकल सकते हैं। और फिर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, पर एक वॉल से जंप करने के दौरान लुइस अपनी लेग्स को इंजर्ड कर लेता है, तो हेनरी को उसे कैरी करना पड़ता है। इसके बाद जंगल में इन्हें कुछ हथियारबंद लोग घेर लेते हैं, तो सीलियर बताता है कि डरो मत, ये मेरे दोस्त हैं, यही लोग हमें बोट प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद सीलियर के दोस्त टीम को एक बोट के पास लाकर बोलते हैं कि अब ये बोट तुम्हारी हुई। तो टीम अपनी आजादी के टिकट पाके काफी खुश है। इसके बाद ये लोग बोट लेके आइलैंड से निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें ट्रेवल करते करते एक दिन हो चुका है, पर अब ये बोट इन चारों का वजन झेल नहीं पा रही होती। तो सीलियर हेनरी से कहता है कि हम में से किसी एक आदमी को बोट से उतरना होगा, वरना हम अपने सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हेनरी क्लियर करता है कि कुछ भी हो जाए, मैं लुइस को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो सीलियर पर्सनली लुइस को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें हेनरी पिटने लगता है। तो लुइस हिम्मत करके सीलियर को चाकू मार देता है, जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद ये लोग सीलियर को पानी में फेंक के आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी अचानक से यहाँ पे स्टॉर्म आ जाता है, जिससे इनकी बोट की बैंड बच जाती है। नेक्स्ट डे जब हेनरी को होश आता है, तब वो एक आइलैंड पे था, जहाँ कबीले वालों ने उसकी जान बचा ली थी। तो हेनरी एक नन से पूछता है कि हम इस समय कहाँ पे हैं। तो नन उसे बताती है कि हम लोग कोलंबिया में हैं। साथ ही ये नन इन्हें क्लियर करती है कि मुझे पता है कि तुम लोग जेल से भागकर आए हो। इसके बाद हेनरी लुइस और मनाटे से मिलकर कहता है कि हम लोग अब आजाद हैं, हमें अब पेरिस लौट जाना चाहिए। पर हेनरी के साथ ही अब पेरिस जाना नहीं चाहते, तो हेनरी अकेला ही यहाँ से चल देता है। पर वो नोटिस करता है कि उनकी तरफ तो पुलिस आ रही है, यानी उस लेडी ने इनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये देख के हेनरी लुइस को इन्फॉर्म करने चले जाता है, ताकि ये लोग साथ में यहाँ से भाग सकें। पर अब तक पुलिस यहाँ पे आ चुकी थी, जो कि इनके तीसरे साथी मनाटे को मार देते हैं। इसके बाद हेनरी और लुइस को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो नन खुशी से बोलती है कि जेल से भागना अच्छी बात नहीं है, यानी ये लेडी भी वार्डन की इन्फॉर्मर है। और फिर इन दोनों को दोबारा से डेवल प्रिजन भेज दिया जाता है, जहां अब हेनरी को 5 साल और लुइस को 2 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सर्व करनी थी, क्योंकि हेनरी ने 2 बार भागने की कोशिश की है और लुइस ने 1 बार। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब हेनरी बूढ़ा हो चुका है, साथ ही उसने अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी पूरी कर ली है। तो वार्डन हेनरी से कहता है कि तुम्हें डेवल आइलैंड भेजा जा रहा है, जहां अब तुम बाकी की लाइफ रहने वाले हो। इसके बाद हेनरी को बोट से आइलैंड की तरफ ले जाया जाता है। तो वो देखता है कि ये आइलैंड तो काफी ऊंचाई पे है, जिसके चारों तरफ क्लिफ हैं। साथ ही इस आइलैंड पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि बिना पुलिस के हेल्प के यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। थोड़ी ही देर में हेनरी को लुइस मिल जाता है, जिसकी 2 साल की सॉलिटरी प्रिजन काट के बुद्धि खिसक चुकी है, क्योंकि उसने दीवारों पे तगड़ी कलाकारी कर रखी है। वेल, असल में कायदे के हिसाब से लुइस को 2 साल की जेल होनी थी, पर लुइस का बिट्रेयल वार्डन को पसंद नहीं आया, तो एज अ रिवेंज उसने लुइस को डायरेक्टली डेविल्स आइलैंड पे कैद करवा दिया। तो हेनरी नोटिस करता है कि इस आइलैंड पे तो सभी लोग लगभग पागल हो चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी है। इसके बाद हेनरी लुइस से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से भाग सकते हो। तो लुइस कहता है कि अगर तुम क्लिफ से कूद के जिंदा बच भी जाओ, तो तुम कभी भी समुन्दर को पार नहीं कर पाओगे। पर हेनरी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, तो वो लुइस से कहता है कि अगर हम राफ्ट तैयार कर लें, तो हम वेव्स को राइड करते हुए मेनलैंड तक पहुंच सकते हैं। और फिर ये दोनों 2 बोरियों में कोकोनट भर के राफ्ट बना लेते हैं, जिसके सहारे से ये लोग एस्केप करने वाले थे। पर लास्ट टाइम पे लुइस कहता है कि अब मैं भागना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि अब मैं इस आइलैंड का पार्ट हूँ। तो ये सुनकर हेनरी काफी दुखी है, क्योंकि उसके फ्रेंड की उम्मीद टूट चुकी है। तो हेनरी लास्ट टाइम अपने बेस्ट बडी को हक करके क्लिफ से जंप लगा देता है। पहले तो लुइस को लगता है कि उसका फ्रेंड मारा गया, पर हेनरी उसे आवाज लगा के एश्योर करता है
कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो ये देख के लुइस काफी खुश है और यही हाल हेनरी का भी था। वो अपनी राफ्ट के जरिए मेनलैंड की तरफ चल देता है। इसके बाद हमें 1969 का सीन दिखाया जाता है जहां हम हेनरी को देखते हैं जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका है। तो एक दिन हेनरी एक बुक पब्लिशर के पास चला जाता है और कहता है कि मैं अपने मेमोयर को पब्लिश करना चाहता हूं जिसमें मेरी लाइफ की जर्नी रिकॉर्डेड है। तो पब्लिशर इस स्टोरी को पब्लिश करने के लिए एग्री हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रेंच गुआना के पैनल कॉलोनी में 80,000 से भी ज्यादा कैदियों को भेजा गया जो कभी भी फ्रांस लौटकर नहीं आ पाए। और हेनरी की लिखी बुक 21 हफ्तों के लिए बेस्ट सेलर बुक रही। 1970 में फ्रेंच मिनिस्टर ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें हेनरी को फ्रांस लौटने की अनुमति दे दी गई जहां उसने अपनी बाकी की लाइफ एज अ फ्री मैन गुजारी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।